हेलो दोस्तों, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पार्ट 6 का ये वीडियो examfear.com की तरफ से। अब एग्जाम से कोई डर नहीं इलेक्ट्रॉन से। अब देखते हैं ट्रेंड्स एंड पीरियड्स। अब जैसे कि हमने बताया कि पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टीज में पीरियोडिसिटी होती है, तो देखते हैं कि एक पीरियड के अंदर, एक ही पीरियड में कैसे कैसे अलग अलग प्रॉपर्टीज में चेंज आती है। तो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड वी सी सम वेरिएशन। किस तरह की वेरिएशन? जैसे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में वेरिएशन, एटॉमिक नंबर में वेरिएशन, वैलेंसी, साइज ऑफ एटम, मेटालिक कैरेक्टर, केमिकल रिएक्टिविटी और नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। इन सारे प्रॉपर्टीज में हम एक ट्रेंड देखते हैं चेंज होने का। कोई प्रॉपर्टी है जो घटती जाती है, कोई प्रॉपर्टी है जो बढ़ती जाती है, और ये सारे ट्रेंड हम देखते हैं जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। तो एक एक करके हम इन सारे प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8। तो ये जो प्रॉपर्टी है, यानी कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 to 8 तक बढ़ती जाती है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, रैंडमली हम एक किसी भी पीरियड का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये कौन सा पीरियड है? ये हमारा थर्ड पीरियड है जो सोडियम से स्टार्ट होता है और आर्गन में ख़त्म होता है। क्योंकि थर्ड पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे हम ये चीज़ नोटिस करते हैं। तो सोडियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये होगा 281, मैग्नीशियम का होगा 282, एल्यूमिनियम का 283, सिलिकन का 284, फॉस्फोरस का 285। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर ध्यान दें तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो पहले 1 था, फिर 2 है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर इसमें 6, फिर 7, फिर 8। तो जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 1 to 8 तक एक एक करके बढ़ते जा रहा है, ठीक है? इसका एक ही एक्सेप्शन है और वो है फर्स्ट पीरियड, जिसमें 2 ही एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। तो इस वजह से यहाँ पे जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो पहले एलिमेंट के लिए 1 है और दूसरे एलिमेंट के लिए 2 है। तो सिर्फ इस केस में ये 1 to 2 तक ही बढ़ता है। इसके अलावा बाकी सभी केसेस में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 1 to 8 तक बढ़ते जाते हैं। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए कि जब भी हम अभी पीरियड्स की या ग्रुप की बात कर रहे हैं तो हम बीच के जो वो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ग्रुप 1, 2 और फिर ग्रुप 13 to 18 इतने की ही बात कर रहे हैं। उसके बाद अगला प्रॉपर्टी, एटॉमिक नंबर। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड वी ऑब्जर्व दैट एलिमेंट्स हैव कंसेक्यूटिव एटॉमिक नंबर्स। किसी भी पीरियड को ले ले, हम देखेंगे कि जो एटॉमिक नंबर है वो एक एक करके बढ़ रहा है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18। तो ये काफ़ी जाहिर सी बात है क्योंकि एलिमेंट्स को अरेंज ही एटॉमिक नंबर के बेसिस पे किया गया है। तो एक एक पीरियड में ऑब्वियसली एक के बाद एक एटॉमिक नंबर्स आएंगी। तीसरा प्रॉपर्टी, वैलेंसी। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड वैलेंसी स्टार्ट्स फ्रॉम 1, इंक्रीजेस टू 4 एंड देन डिक्रीजेस टू 0। तो वैलेंसी, अच्छा वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या फ़र्क है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, सबसे बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी का मतलब कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट को स्टेबल स्टेट में जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे, उसको कहते हैं वैलेंसी। तो सबसे पहले हम वैलेंसी का कॉन्सेप्ट समझते हैं एक एग्जांपल लेके। जैसे मान लेते हैं हम सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 281, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितनी है? 1, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सबसे बाहर वाले शेल में 1 है। और इसकी वैलेंसी कितनी है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन देने से या लेने से सोडियम स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। तो स्टेबल स्टेट में आने के लिए सोडियम अगर इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो वो स्टेबल स्टेट हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि वो फुल्ली फिल्ड या फिर स्टेबल हो जाएगा। तो यानी कि इसकी वैलेंसी भी 1 है। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे वैलेंसी भी 1 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है, ठीक है? अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7। लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी है? वैलेंसी मतलब कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा या लेना पड़ेगा ताकि ये स्टेबल स्टेट में हो। अब क्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉन देना तो बेवकूफ़ी है,
यहाँ पे अगर वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तब भी वो स्टेबल स्टेट में चला जाएगा क्योंकि आउटर मोस्ट शेल 8 हो जाएगा। तो इस केस में भी जो वैलेंसी है वो क्या है, 1 है। तो यहाँ पे वैलेंसी 1 है लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। और पहले वाले केस में वैलेंसी है 1 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी है 1। ठीक है, तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो पीरियड्स में हम देखते हैं जो वैलेंसी है वो पहले बढ़ती जाती है, 4 तक रीच करती है, उसके बाद फिर घटती जाती है। तो सोडियम की वैलेंसी है 1+1, मैग्नीशियम की वैलेंसी है +2, क्योंकि मैग्नीशियम अगर दो, सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पहले लिखते हैं, ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम है, ये एल्यूमिनियम है, ये सिलिकन है, ये फॉस्फोरस है, ये सल्फर है, ये क्लोरीन और ये आर्गन। ठीक है, तो सोडियम मैग्नीशियम इनके केस में हम देखते हैं कि अगर ये अपने अपने एक या दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो ये स्टेबल हो जाएंगे, तो इनकी वैलेंसी हो गई +1+2। इस केस में भी अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो ये स्टेबल हो जाएंगे, तो इसकी भी हो गई +3। तो यहाँ अगर देखें सिलिकन के केस में तो इसकी भी जो वैलेंसी है वो +4 है, लेकिन जैसे ही हम फॉस्फोरस पे पहुँचते हैं तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं, बट फॉस्फोरस के लिए स्टेबल होने के लिए या तो वो 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है या फिर वो 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इस केस में कौन सा इसके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा? तो फास्फोरस के लिए 5 इलेक्ट्रॉन देना तो बेवकूफ़ी हो जाएगी क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, लेकिन अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन ले ले तब भी ये स्टेबल हो जाएगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, राइट? और जब ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, -3, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ रहा है। तो उसी ठीक उसी कॉन्सेप्ट से जैसे जैसे हम सल्फर क्लोरीन की तरफ जाएंगे तो हम देखेंगे कि इनकी जो वैलेंसीज हैं वो घटती जा रही है, और फाइनली जब हम आर्गन पे पहुंचेंगे तो ये ऑलरेडी स्टेबल है, तो इसीलिए इसको ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है और ना ही देने की। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो वैलेंसी है वो 1 से लेकर के 4 तक पहले बढ़ी और उसके बाद वापस से ये घट के 0 हो गई। अब हम बात करते हैं एटॉमिक साइज की। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, यानी कि जो एलिमेंट का जो साइज है, मतलब जो एटॉमिक साइज है, वो धीरे धीरे घटते जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप मन में सोच रहे होंगे कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो तो बढ़ रहा है, तो उस तरह से सोचा जाए तो एटॉमिक साइज भी बढ़ना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? इसको समझने के लिए हम इस पर्टिकुलर पीरियड का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सोडियम है, अगर हम सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो यह है 281, मैग्नीशियम की 282, एल्यूमिनियम की 283, इस तरह से करते करते आर्गन की है 288। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम गौर से देखें तो सोडियम से लेकर के आर्गन तक सभी में 3 शेल्स हैं, KLM, सभी में 3 ही शेल्स हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। तो बेसिकली अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, इसके बाहर हमारा 1 शेल, 2 शेल और 3 शेल, इस तरीके से हम मानते हैं कि हमारे पास 3 शेल है। अब हो ये रहा है कि जैसे जैसे हम सोडियम से आर्गन की तरफ जा रहे हैं तो हमारा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में वो इंक्रीज हो रहा है, बेसिकली हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 11 है। तो जैसे जैसे हम इस तरफ जा रहे हैं, आर्गन की तरफ जा रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर तो उनका जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का पावर है वो भी बढ़ रहा है। जैसे पहले अगर न्यूक्लियस के अंदर मान लेते हैं 4 प्रोटॉन्स थे और बाद में जो है 8 प्रोटॉन्स हैं, तो क्या हो रहा है, 8 प्रोटॉन्स का जो पॉजिटिव पावर है वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सकता है, राइट? तो एग्जैक्टली वही चीज़ हो रही है, जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, उनको इलेक्ट्रॉन्स की अपनी तरफ खींचने का जो पावर है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ है ये थोड़ा सा अंदर खींचे चले आ रहे हैं। तो ओवरऑल जो इस एटम का साइज है वो श्रिंक कर जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता कि हम हर एक एलिमेंट के साथ एक एक्स्ट्रा शेल ऐड हो जा रहा है तब तो साइज बढ़ जाता,
लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, शेल्स उतनी ही हैं, ये तीन ही शेल में, किसी के आउटर मोस्ट शेल में तीन इलेक्ट्रॉन है तो किसी के सात, ठीक है, लेकिन शेल्स तीन ही हैं। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम सोडियम से लेकर के आर्गन की तरफ जा रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो वो लोग, वो जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का जो पावर है वो भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर हैं वो भी थोड़े से अंदर की तरफ श्रिंक हो रहे हैं, और इस वजह से एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अब बात करेंगे मेटालिक कैरेक्टर की। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस बट नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। अगर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा तो जाहिर सी बात है कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज क्यों करता है। मेटालिक कैरेक्टर को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, किस चीज़ से हम कहेंगे कि ये इसमें मेटालिक कैरेक्टर है। मेटल्स जो होते हैं उनका हमेशा टेंडेंसी होता है कि, तो मेटालिक कैरेक्टर को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम बताते हैं कि किसी एलिमेंट में मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा है या कम है या कितना है। मेटालिक कैरेक्टर का मतलब होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, किसमें कितना टेंडेंसी है, किसमें कितना ज़्यादा किस एलिमेंट का मन है इलेक्ट्रॉन लूज करने का। क्योंकि अगर हम देखें जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स वैसे होते हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 4 से कम रहते हैं, जनरली 1, 2, 3 ऐसे रहते हैं, और वो इजीली अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं, वो एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं। तो यानी कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज़्यादा हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी कम हो, वो मेटल होता है, और वैसे एलिमेंट्स में मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक पीरियड का एग्जाम्पल लिया हुआ है। यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हम इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो हमें ये पता चलता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सोडियम में 1 है, मैग्नीशियम में 2 है, एल्यूमिनियम में 3 है, इसमें 4, 5, 6, 7 और 8 है, ये सारे इनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इसको देखते हुए हम देखेंगे कि सोडियम जो है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत ईजी है। तो सोडियम के केस में ईजी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने का जो टेंडेंसी है, तो अगर हम कहें टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ये जो है सोडियम के केस में बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके लिए बहुत सिंपल है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में और वो उसको कभी भी लूज कर सकता है, तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। मैग्नीशियम में बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी ये लूज कर सकता है, बट इसका जो इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी है वो सोडियम से थोड़ा कम है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था, इसके पास 2 है। एल्यूमिनियम के पास 3 है, एल्यूमिनियम के लिए भी इलेक्ट्रॉन लूज करना ज़्यादा इजी है, ना कि इलेक्ट्रॉन गेन करना, क्योंकि अगर गेन करना पड़ा एल्यूमिनियम को तो इसे 5 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो लूज करना इज इजी, लेकिन जो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नीशियम से थोड़ा कम है। अगर बात करें सिलिकन की, तो हम देखेंगे सिलिकन के केस में 4 है, मतलब सिलिकन के लिए 4 लूज करना और 4 गेन करना दोनों ही सिचुएशन लगभग बराबर है, तो यानी कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थोड़ी और कम हो गई है ना। फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा ही नहीं, फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन यहाँ और कम हो गया। लेकिन वहीं अगर हम नीचे एक टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन का भी बनाएं रो, तो हम क्या देखेंगे कि फॉस्फोरस के केस में टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन जो है ये ज़्यादा है। सल्फर के केस में चूंकि 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना और इजी है, तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा है, लेकिन टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन और कम है। तो जैसे जैसे हम इधर जाएंगे हम देखेंगे कि टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ जा रहा है, और इस साइड जो है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन जो था वो काफ़ी कम था। तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है सोडियम के लिए और टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है आर्गन के लिए। एक्चुअली आर्गन के लिए नहीं, आर्गन तो एक्सेप्शन है, आर्गन को ना तो लूज करना है ना ही गेन करना है, तो हम कह सकते हैं क्लोरीन के लिए, तो हम आर्गन को इस लिस्ट से बाहर रख सकते हैं, क्योंकि आर्गन इनर्ट है एक तरीके से, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वैसा नहीं है कि उसे लूज करना है या उसे गेन करना है, उसे कुछ नहीं करना है।
तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सोडियम जो है उसमें मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे घट रहा है, इसका मतलब मेटालिक कैरेक्टर घट रहा है, और टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ रहा है, इसका मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो इस तरीके से हमें समझ में आ रहा है कि कैसे मेटालिक कैरेक्टर जो है लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड घटते रहता है। अब बात करेंगे केमिकल रिएक्टिविटी की। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड केमिकल रिएक्टिविटी फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। तो जिस लॉजिक से हमने मेटालिक कैरेक्टर को समझा, ठीक उसी लॉजिक से हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो कैसे चेंज होती है। तो अगर हम देखें यहाँ पे इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इन सब में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि आर्गन जो है ये डजेंट रिएक्ट, ये रिएक्ट ही नहीं करता है, ठीक है। तो इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, ठीक है। अब अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम के पास बाहर आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो किसी भी सिचुएशन में सोडियम हमेशा चाहेगा कि वो उस एक इलेक्ट्रॉन को दे दे और स्टेबल हो जाए। तो इसका मतलब कि सोडियम जो है ये हाईली रिएक्टिव है। तो अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो सोडियम हाईली रिएक्टिव है क्योंकि उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, कभी भी उसे लगेगा कि भाई मुझे स्टेबल होना है तो इस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, राइट। तो ये हाई रिएक्टिव है। मैग्नीशियम के पास दो इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है कंपेयर टू सोडियम, बट स्टिल अगर मैग्नीशियम भी चाहेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए तो वो भी इस दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो इसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम है सोडियम से, ऐसा नहीं कि बहुत कम है, बट इसकी जो रिएक्टिविटी है ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी है ये सोडियम से कम है। एल्यूमिनियम के केस में ये मैग्नीशियम से भी थोड़ी कम है क्योंकि अब एल्यूमिनियम के केस में तीन इलेक्ट्रॉन है, तो अगर एल्यूमिनियम को स्टेबल होना है तो उसे तीन इलेक्ट्रॉन देने हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं सिलिकन। अब सिलिकन के पास चार इलेक्ट्रॉन है, तो चार इलेक्ट्रॉन लूज करना भी थोड़ा मुश्किल है और चार इलेक्ट्रॉन को गेन करना भी थोड़ा मुश्किल है। तो सिलिकन जो है ये काफ़ी कम रिएक्टिव है, ये लीस्ट रिएक्टिव है, एक्चुअली सबसे कम रिएक्टिव अभी तक यही है। इसके बाद है फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस के पास पांच आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, पांच इलेक्ट्रॉन लूज करना तो बहुत मुश्किल है लेकिन तीन इलेक्ट्रॉन को गेन करना इतना मुश्किल नहीं है। तीन इलेक्ट्रॉन गेन करना इसके लिए सिलिकन, सिलिकन को अगर गेन करना पड़े तो सिलिकन को चार इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, बट फॉस्फोरस को सिर्फ तीन गेन करना पड़ेगा। तो यानी कि फॉस्फोरस की जो रिएक्टिविटी है वो सिलिकन से ज़्यादा है, तो इसकी जो रिएक्टिविटी है ये सिलिकन से ज़्यादा है, राइट। उसी तरह से जब सल्फर की रिएक्टिविटी हम देखेंगे तो क्या देखेंगे, इसकी जो रिएक्टिविटी है ये फिर फॉस्फोरस से ज़्यादा है क्योंकि अब सल्फर को सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन लेने हैं। क्लोरीन की रिएक्टिविटी थोड़ी और ज़्यादा है क्योंकि इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लेना है, राइट। तो अगर हम इस ग्राफ को देखें तो पहले रिएक्टिविटी हाई थी, उसके बाद जो है रिएक्टिविटी घट गई, राइट। और उसके बाद सिलिकन के बाद से रिएक्टिविटी फिर से बढ़ गई। आर्गन को जो है वो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि आर्गन जो है वो नॉन रिएक्टिव है, वो रिएक्ट ही नहीं करता है, बट आर्गन को अगर छोड़ दें तो हमारा रिएक्टिविटी कुछ ऐसे था, पहले ज़्यादा था फिर घट गया, सिलिकन पे मिनिमम हो गया उसके बाद फिर से बढ़ गया। तो केमिकल रिएक्टिविटी फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। अब बात करते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स डिक्रीजेस एंड एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेस। अब बेसिक नेचर और एसिडिक नेचर कौन सा होता है? अब हमें पता है कि जो मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो बेसिक होते हैं नेचर में। जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। जैसे कि अगर हम कोई नॉन मेटल की बात करें, कार्बन तो बनेगा CO2, तो CO2 जो है वो एसिडिक है नेचर में। और वहीं हम किसी मेटल की बात करें जैसे सोडियम, तो सोडियम का जो ऑक्साइड है यानी कि NaO, ये बेसिक है नेचर में। तो मेटल ऑक्साइड्स हमेशा बेसिक होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो है वो एसिडिक होते हैं। तो हमने क्या देखा कि पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है,
मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता है, ठीक है? तो अगर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, इसका मतलब हुआ कि जो बेसिक ऑक्साइड्स है, मतलब बेसिक नेचर जो है ऑक्साइड का, वो क्या होगा, वो भी डिक्रीज होगा, तो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड भी डिक्रीज होगा। अब मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, यानी कि एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज होता है। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर का इस तरह से चेंज क्यों होता है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पहले, राइट? तो इस तरह से हमने देखा कि एक पीरियड के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो हैं वो अलग अलग ट्रेंड्स शो करती हैं। थैंक यू। क्लास 6 से लेकर के 12th तक के मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश ग्रामर, साइंस एक्सपेरिमेंट्स और मोटिवेशनल वीडियोस को फ्री में देखने और पढ़ने के लिए ज़रूर विजिट करें examfear.com और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वंस अगेन।